नमस्कार, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। वो मैं हूं आपके साथ मनोज तिवारी। तो आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। खुरई विधानसभा क्षेत्र के मालथोन में खाद्य वितरण डबल लॉक केंद्र का मुख्य अतिथि मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने फीता काटकर एवं माँ सरस्वती का पूजन कर शुभारंभ किया। शुभारंभ होते ही किसानों को डबल लॉक केंद्र से खाद्य का वितरण शुरू भी कर दिया गया। पुरानी कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने कहा कि मालथोन में डबल लॉक की क्षमता के लिए 1000 टन के गोदाम की स्वीकृति हो गई है। डबल लॉक खाद वितरण केंद्र में 100 टन खाद 2-3 दिन में उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि यह सोच आज की ही नहीं आने वाले 2 साल की है। आने वाले समय में खेतों में बीना और उल्दन सिंचाई परियोजना से पानी हर खेत तक आ सकेगा। पानी से खाद की मांग बढ़ जाएगी, 100 टन से 1000 टन हो जाएगी। यही सोचकर आपके भूपेंद्र भैया ने 1000 टन क्षमता की गोदाम स्वीकृत करा दी है। आने वाले समय में बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में उद्योग लगाने का काम किया जाएगा। 2 साल में प्रदेश की खुरई विधानसभा संपन्न विधानसभा बन जाएगी। कार्यक्रम में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय की छात्राओं का युवा उत्सव कार्यक्रम में चयन हुआ है। छात्राओं द्वारा आर्थिक सहयोग की मांग की गई, जिस पर मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने 10,000 रुपए की नगद राशि छात्राओं को प्रदाय की। कार्यक्रम में जिला विपणन अधिकारी श्रीमती राखी रघुवंशी ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने खाद प्रयोग के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में भाजपा नेता एवं भारी संख्या में किसान उपस्थित रहे। सुरेंद्र जैन, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, मालथोन। फिलहाल के लिए इतना ही। बुंदेलखंड की ताजा तरीन तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज के साथ।